कभी खुशी कभी गम, मॉडल गर्ल और न सकी फिर पकड़ी गई। अयान अली का नाम ECL से निकालने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला कुछ देर बाद मुअत्तल। अदालत ने विफाक को फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए 10 रोज की मोहलत दे दी। पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर, अदालत ने अल्ताफ हुसैन के रेड वारंट जारी करने का हुक्म दे दिया। आमिर लियाकत 2000 गज का बंगला बना रहे हैं लेकिन आपको नहीं मिलते। फारूक सत्तार और आमिर लियाकत की अदम गिरफ्तारी पर अदालत का इजहार नाराजगी। बिलावल आ गया पंजाब में, चार मुतालिबात पूरे कराने के लिए पीपल्स पार्टी सड़कों पर आ गई। लाहौर से फैसलाबाद रैली शेखुपुरा पहुंच गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुक्मरान कलदम तंजीमों को छूट और सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करते हैं, हुकूमत से इसी साल छुटकारा पाना है। पार्टी की रैली में जयालो का जोशो खरोश, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप, कारकुनान का ढोल की थाप पर रक्स। फैसलाबाद में खवातीन कारकुनान का जोशो खरोश भी उरूज पर। पनामा केस में वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान ने दलाल मुकम्मल कर लिए। जमात इस्लामी के वकील कल अपने दलाल का आगाज करेंगे। कोशिश कर रहे हैं गैर मुतनाजा दस्तावेजात हासिल की जाए लेकिन ये दस्तावेजात फराहम नहीं की जा रही। जस्टिस अजमत के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के रहनुमाओं की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछाड़। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि PTI अदालतों को दबाव में लाना चाहती है। इमरान खान बोले, मुझ पर हमले करने से कुछ नहीं होगा, मनी ट्रेल देना पड़ेगी। मीडिया के कैमरों पर हुकूमती वुजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के लॉन में धूप तापी। कप्तान के साथ सेल्फियां बनाने वालों की लाइनें लग गईं। कराची के इलाके डिफेंस में निजी बैंक में डाकू डकैती कर गए। डाकू 20 लाख रुपए लूटकर आराम से चलते बने। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बैंक के अंदर मौजूद स्ट्रॉन्ग रूम का दरवाजा पहले से खुला था। 92 न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। सिंध हुकूमत ने रेंजर्स के खसूसी अख्तियारात में मजीद 90 रोज की तौसी कर दी। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने 4 रोज की ताखीर के बाद समरी पर दस्तखत कर दिए। कोयटा में एक सरियाब रोड है वो भी महफूज नहीं। पुलिस सेंटर पर हमले का जिम्मेदार कौन है बताया जाए। कैडेट के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के सानहा कोयटा अजफुद नोटिस केस की समाप्त में रिमार्क्स, बोले खुद सिक्योरिटी देखकर आया हूँ, ये बलोचिस्तान हुकूमत की नालायकी की इंतहा है। पर्थ में जारी तीसरे वनडे में पाकिस्तान के 264 रन के हदफ में कैंगरूज की बैटिंग जारी। दो खिलाड़ी आउट, पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम 84 रन बनाकर टॉप स्कोर। शर्जील खान की 50, शुएब मलिक और उमर अकमल ने 39 रन बनाए। वुड ने 3 और हेड ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर आजम वनडे में तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए। विवन रिचर्ड्स, केविन पीटरसन, जॉन ट्रॉट और क्वेंटन डिकॉक का रिकॉर्ड बराबर कर दिया।
तेहरान शहर के दरमियान में कायम 17 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग आग लगने से जमी बोस। 30 फायर फाइटर्स आग बुझाते हुए जा बहक। 40 से जायद अफराद जख्मी। 2 दर्जन से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। और 9 मुंतखब अमरीकी सदर कल हल्फ उठाएंगे। तैयारियां मुकम्मल। लंदन के मादाम तुसाद म्यूजियम में डोनाल्ड ट्रंप का मोमी मुजस्मा नस्ब।